खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने आज लोगों को खोए हुए 50 मोबाइल उन्हें बरामद करके लौटा दिए हैं। इन बरामद मोबाइल फोन की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पर डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया, लगभग 50 मोबाइल जो जनता के कानपुर नगर के अंदर कुछ लोगों के जहां पर मिस हो गए थे या कुछ जगह छीने भी गए थे, गिर गए थे, इस तरीके की शिकायतें विभिन्न थानों के माध्यम से और डायरेक्टली भी सर्वेलांस सेल को प्राप्त हो गई थी। तो सर्वेलांस सेल प्रभारी सब इंस्पेक्टर आसिफ और इनकी टीम जिसमें राहुल पांडे, रामजस और शमशाद, ये सब लोगों ने कठिन परिश्रम करके इन लोगों को ट्रेस किया जो इस मोबाइल को यूज़ कर रहे थे और इनके द्वारा ये मोबाइल बरामद किए गए। और आज एक बहुत अच्छा दिन है कि 50 लोगों को सर्वेलेंस सेल के द्वारा उनके मोबाइल उनको वापस लौटाए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जितनी ऐसी शिकायतें भविष्य में भी आएंगी उसको जल्दी से जल्दी हम निस्तारण करेंगे और पब्लिक को इसी तरह सर्वेलेंस सेल और क्राइम ब्रांच के द्वारा सहयोग प्रदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।